इस वीडियो में देखने वाले, अगर आपके पास कोई कॉल करता है, अपने मोबाइल का रिंगटोन नहीं बजता है, तो रिंगटोन को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी तेज़ आवाज़ में कैसे बजा सकते हैं, इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। बहुत आसान आसान बताएंगे अपने मोबाइल का रिंगटोन कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने मोबाइल का रिंगटोन जो है, रिंगटोन कॉल आते नहीं बज रहा है। अगर आपके पास कोई कॉल भी करता है तो रिंगटोन सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं बज रहा है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में बताएंगे कि अपने मोबाइल का रिंगटोन कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। सबसे पहले रिंगटोन को ठीक, जो कॉल आता है रिंगटोन को ठीक करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। हमारे इस बस जो सेटिंग आपको देखने को दो सेटिंग बताएंगे, उसको फॉलो करते रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ रिंगटोन नहीं बजा रहा है, उसको सेटिंग करने के लिए अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। आपको यहाँ सेटिंग देखने को नहीं मिलता, जस्ट आपको ऊपर कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सेटिंग यहाँ देखने को मिल जाता है, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ सेटिंग पे क्लिक करते हैं, अपना ऑटोमेटिक आप यहाँ सेटिंग पे देखने को आपको मिल जाता होगा। सेटिंग को अपना ऑटोमेटिक यहाँ सेटिंग में चले जाइएगा। जाने के बाद एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ जस्ट साउंड एंड वाइब्रेशन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको ये साउंड एंड वाइब्रेशन देखने को नहीं मिले तो आपको जस्ट आपको सर्च पे चले जाना है। आपको यहाँ सेटिंग में सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ लिखना है साउंड। जैसे ही साउंड लिखेगा तो ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको ये कम होगा, आपको कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जस्ट रिंगटोन बजने का ही कारण होता है जो आपका जो जिससे आप आवाज़ बढ़ाते हैं, आवाज़ बढ़ाने के बाद आपको मीडिया जो वॉल्यूम होता है ऑटोमेटिक ये बढ़ जाता है। ये देख सकते हैं मीडिया वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है, ये वाला इसको मीडिया वॉल्यूम कहते हैं। जो आप म्यूजिक सुनते हैं या फिल्म कोई देखते हैं तो आपको मीडिया देखने को मिल जाता होगा, लेकिन रिंगटोन नहीं बजता है तो आपको यहाँ रिंगटोन आपको देखने को मिल जाएगा दो नंबर पे। आपको यहाँ रिंगटोन को बढ़ा लेना। जैसे यहाँ पे रिंगटोन पे यहाँ पे चले जाते हैं, जाने के बाद यहाँ रिंगटोन को बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ नोटिफिकेशन को भी बढ़ा लेना है। यहाँ देख सकते हैं दोनों को हम लोग बढ़ा लिए हैं। बढ़ा होने के बाद सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब। जस्ट आपको यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा ऑन का, इसको सबसे पहले आपको ऑफ़ कर लेना है। इसको ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद यहाँ बैक आ जाए, देख सकते हैं यहाँ ऑफ़ देखने को मिल जाता है। यहाँ मेरा गलती से यहाँ ऑफ़ हो चुका था, यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरा ऑन होगा। यहाँ गलती से हम इसको ऑन कर देते हैं, इससे आपको सुनाई नहीं देता है, इसको आपको ऑफ़ कर लेने का। मान लीजिए आपको डू नॉट से डिस्टर्ब नहीं दिखने को मिल रहा है, जस्ट आपको ऊपर चले जाना है। जस्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ ऑन होने जाएगा, देख सकते हैं यहाँ ऑन हो चुका है। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ जो साउंड एंड वाइब्रेशन को बिना उसको ऑन किए आप यहाँ ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जिस मतलब कोई चीज़ सुनते हैं या गाना सुनते हैं तो उसको आवाज़ जैसे ही बढ़ाते हैं साइड पर बढ़ाने के बाद आपको यहाँ थ्री डॉट देखने को मिल जाता होगा। यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको जो भी इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पूरे को भर देना है। जैसे ही भर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ रिंगटोन जो प्रॉब्लम है नहीं बज रहा तो ऑटोमेटिक यहाँ ठीक हो जाता है। ऐसे ही अपने रिंगटोन जो आता है फ़ोन कॉल आता है नहीं बजता तो ऐसे अपने रिंगटोन को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।